अनुज जी, सोने में क्या होने वाला है? सोना 2300 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, डॉलर के मूवमेंट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फंडामेंटली वो अभी भी बहुत ही स्ट्रांग जोन पे लग रहा है। क्या इस पे स्ट्रेटजी आपकी होगी? देखिए, अगर आप इस हफ्ते को देखेंगे तो मंडे से ही एक रिकवरी का ट्रेंड इसमें देखने को मिला। हालांकि फ्राइडे को भी मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ था, तो करीबन 2280 से अगर आप देखेंगे तो करीबन 2320 तक के लेवल हमने यहाँ पर आते हुए देखे। एमसीएक्स में करीबन 70,500 का लो था, वहां से बाउंस बैक होकर करीबन 71,200 के आसपास के लेवल्स बनते हुए दिखाई दिए। तो इंटरनेशनली भी गोल्ड बाउंस हुआ है, डोमेस्टिक भी गोल्ड बाउंस हुआ है। यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट रीजन रहे। पहला तो डॉलर इंडेक्स जो 106 के आसपास था, फेडरल रिजर्व की मीटिंग के आने के बाद उसमें करेक्शन देखने को मिला, जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिला। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, अक्षय तृतीया है 10 तारीख को, जो कि इसी हफ्ते पड़ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। और इंटरेस्टिंगली जो चाइना की डिमांड है वो हमने पिछले करीबन 4 महीनों में अच्छी खासी बनती हुई देखी, तो चाइना ने इस बार काफी बड़ा रोल प्ले किया जो काफी टाइम से मार्केट में नहीं था। तो चाइना की डिमांड अब गोल्ड में आती हुई दिखाई दी, जिससे गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर है ये गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2300 का डॉलर का जो काफी अहम सपोर्ट है वो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ही ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। और ऊपर में अगर हम टारगेट की बात करें तो 72,400 तक के लेवल आपको, 71,400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। अगर थोड़ा बहुत नीचे 71,050 तक के लेवल मिले तो खरीदारी करना चाहिए, 70,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 71,400 तक आ सकता है। और इंटरनेशनली $2,330 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड के अंदर रहेगी। ओके, 71,400, 2330, ये लेवल्स आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। अमित जी, आप भी खरीदारी की साइड में हैं या आपको लगता है बेच देना चाहिए गोल्ड? बिल्कुल, मैं भी अनुज जी की बात से सहमत हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और इंटरडे के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो 71,150 के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 70,900 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस करना था, मेरे लगता है 71,600 से 700 तक के प्राइस जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे तो टाई है, यहाँ पे दोनों लोग खरीदारी कर रहे हैं। एक आप बड़ी दिलचस्प बात कही अनुज जी आपने, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, फिर आपसे सवाल है। आपने कहा चाइना की तरफ से डिमांड आ रही। चाइना में ट्रेडिशनली क्या होता था कि लोग वहाँ के जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते थे वो रियल एस्टेट में करते हैं, और रियल एस्टेट जब बबल बस्ट हुआ तो समझ में नहीं आया लोगों को पैसे लगाए कहाँ। तो अब रिटेल की डिमांड गोल्ड की तरफ आ रही काफ़ी तेज़ी से चाइना में, और सरकार तो वहाँ पर खरीद ही रही है, सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, प्लस रिटेल की डिमांड बहुत मैसिव आई क्योंकि अब रियल एस्टेट में पैसा नहीं जा रहा है और सरकार रियल एस्टेट को बहुत पुश भी नहीं कर रही है। तो एक रियल डिमांड ग्लोबली है और भारत में भी तो रिटेलर बहुत खरीद रहा है, तो क्या ये एक ऐसा ट्रेंड मान के चलना चाहिए कि यहाँ से दिवाली तक आपको एक बड़ी ऊंची तेजी सोने में आती हुई देखने को मिल सकती है? नीरज जी, आपको एक डेटा शेयर करता हूँ कि 2018 में जो चाइना के पास सेंट्रल बैंक का होल्डिंग था वो करीबन 1880 टन के आसपास था, जो अभी बढ़कर करीबन 2250 टन के आसपास हो गया। तो महज करीबन 6 सालों में ये बढ़ोतरी हमने देखी। और इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 महीनों में देखेंगे तो करीबन 30 टन के आसपास सेंट्रल बैंक पीबीओसी ने खरीदारी करी है। तो सेंट्रल बैंक से खरीदारी हुई है, रिटेल की खरीदारी हुई है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो चाइना एंटर हुआ है गोल्ड के अंदर काफी टाइम के बाद, तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा इंडिकेशन है गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए। और मुझे लग रहा है कि आपको दिवाली तक अगेन हम $2,400 तक के लेवल और इनफैक्ट उसके ऊपर तक के भी लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम अच्छा खासा है, चाइना की डिमांड है, तो मुझे लगता है कि अगेन हम $2,400 के लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। इंटरेस्टिंग, और डी डॉलराइजेशन की वजह से बहुत सारे देश गोल्ड से भी हैच कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इंटरनेशनली डेट टू जीडीपी 300% पहुंच गया है। तो गोल्ड में तो भाई चमक रहने वाली है क्योंकि फंडामेंटल रीजंस हैं। अमित जी और अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।